मैं सैयद इरफान शेर, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुतवली एसोसिएशन एंड मुतवली ऑफ टू वक्फ स्टेट्स इन कलकत्ता। मेरी फैमिली का कलकत्ते में 4 वक्फ स्टेट्स हैं एंड आई एम इन चार्ज ऑफ देम। वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शन है फॉर द मुतवली मेंबर, अभी बोर्ड इज़ नॉट फंक्शनिंग बिकॉज the election of the mutawalli member, which is a very important chair in the waqf board, is pending. uske pending hone ki wajah ye hai ke there are 3 suits in the original site in the high court. 3 mamla hua hai jisme jo state government yani waqf board and the मिनॉरिटी डिपार्टमेंट मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, ऑल ऑफ देम आर पार्टीज टू इट। क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो रूल्स बना है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक ये इलेक्शन जो है इसका प्रोसेस नहीं हो रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को इसके बारे में शिकायत है। वी हैव फाइल्ड कंप्लेंट्स हाई कोर्ट में, हम लोगों ने इसलिए मामला दर्ज किया है कि इंसाफ होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए एज़ पर रूल 10 एंड 12 ऑफ द नोटिफिकेशन एंड एज़ पर रूल 3 ऑफ द नोटिफिकेशन। जिन मुतवल्ली मेंबर्स यानी मुतवल्ली जिनका वोटिंग राइट है या इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम आया है, दे ओनली 137 मुतवल्लीज आउट ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ मुतवल्लीज इन वेस्ट बंगाल। पूरे वेस्ट बंगाल का बोर्ड का इलेक्शन है ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 137 मेंबर्स का नाम क्यों आया है, वी वॉन्ट टू नो। हम लोग ने वक्फ बोर्ड से मांगा है ये इंफॉर्मेशन एंड वक्फ बोर्ड इज़ नॉट विलिंग टू गिव अस एनी इंफॉर्मेशन। कई महीना हो गया हम लोग ने इंफॉर्मेशन आफ्टर इंफॉर्मेशन RTI में मांगा है कि भाई वी वॉन्ट टू नो कि जिन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में आया है, आर दे द एलिजिबल मेंबर्स, आर दे द एलिजिबल मुतवल्लीज एज पर द रूल्स ऑफ द नोटिफिकेशन। इसके बारे में वो जवाब देने को तैयार नहीं है हमें। अब आप बताइए, जो कंटेस्टिंग पार्टीज है, डोंट दे हैव द राइट, उनका हक नहीं है जानने का कि जो लोग वोटर्स हैं उन लोग कौन हैं, वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं वोट देने के लिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन इस पर जवाब कोई नहीं दे रहा है, खामोशी इख्तियार करके रखा है। तो हम लोग को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। ऑल इंडिया मुतवली एसोसिएशन ने ये कदम उठाया क्योंकि हमारा डिमांड ये है कि देर हैज़ टू बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मुतवली मेंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, जितने मुतवलीज एंड वक्फ का मैटर्स वही देखता है, वही प्लेस करता है, ही इज़ द मेन पर्सन हु डील्स विथ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वक्फ स्टेट्स एंड द मुतवल्लीज। वो मेंबर के इलेक्शन है और उसके लिए सही जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन, जो आई एम फुली डाउटफुल, इनफैक्ट आई एम श्योर कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में उनसे पूछिए, जाके सवाल कीजिए, आप आज ही जाइए उनसे सवाल कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए तो आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। उन लोगों ने मिल्ली अलमीन कॉलेज में एक प्रोग्राम किया जिसमें खूब बिरयानी खिलाया, सबको बुलाया, दावत दिया, खड़ी भीड़ लगाने के लिए और हॉलो खोखली बातें करने के लिए। जितनी बातें उन्होंने की है सब खोखली बातें हैं। मैं तो सवाल करूँगा कि हमारे नॉमिनेटेड मेंबर नदीमुल हक साहब उस मीटिंग में गए, जो मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है ये काम, कि उनको जाना नहीं चाहिए था एक एसोसिएशन जिसके रजिस्ट्रेशन का ठीक नहीं है। वो उन्होंने अपना एक मीटिंग कॉल करके इन लोगों को इनवाइट किया स्टेज पर और अपना उनका अपना रेफरेंस दे के वो अपना गुडविल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि ये आम तौर से सारे लोग जानते हैं कलकत्ता में या बंगाल में एवरी सेकेंड पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट कि भाई वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, वक्फ बोर्ड बदनाम हो चुका है। किसके वजह से बदनाम हुआ है? मुतवली मेंबर का जो रोल है वहाँ, वो रोल ऐसा है कि वो इंसाफ नहीं कर रहा है। वो लोगों किसी अपने हकदार मुतवलियों को, मेरे पास कितना हमारे ऑफिस में कंप्लेन आता रहता है आए दिन कि हकदार मुतवली को हटा के किसी और को बना दिया, आउटसाइडर को, जिस स्टेट में मुतवली नहीं है, डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, उसमें आउटसाइडर को लगा दिया, वहाँ कमेटी बना दिया। आप अपने मन मर्जी से कर रहे हैं, आप अपना रूल्स बना रहे हैं कुछ ऐसा विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वक्फ एक्ट। ये कानून है, इफ द रूल इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वक्फ एक्ट देन द वक्फ एक्ट विल प्रिवेल। लेकिन आप अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, इस पर हमारा सवाल है। और जो मामला दर्ज हुआ है कोर्ट में, मैं अभी भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो CEO साहब हैं वक्फ बोर्ड के, न्यूली अपॉइंटेड CEO, उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो इंसाफ से काम करें। हमारी नज़र हर उस इंसान पर है। वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। ये लोग नहीं समझे कि जो लोग आँख बंद करके बैठे हैं, वी आर वॉचिंग and we will raise our voice and we will question them. आज नहीं तो कल सवाल होगा। कोई भी गलत काम होता है तो हम लोग सवाल करने का हमारा हक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसी जगह है जो वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के सेफ गार्ड के लिए, वक्फ के तरक्की के लिए, वो जगह में काम होना चाहिए। और वक्फ का डेवलपमेंट का मैटर ऐसा है, मैं बता दूँ आपको कि हर मुतवल्ली को राइट है डेवलपमेंट का, उसको अपनी प्रॉपर्टी को बनाना, उसको जो तरक्की करना, उसकी इनकम को बढ़ाना उसका राइट है। उससे डोनेशन क्यों लिया जाता है? क्यों ये सब गलत काम हो रहा है? हाँ, वो मुतवल्ली जो बनाता है, जो डेवलपमेंट करता है, उसको चाहिए कि ईमानदारी से काम करे, वो अकाउंट्स फाइल करे, सब दिखाए कि हमने कैसे डेवलपमेंट किया। अगर वो गलत करता है तो उसके लिए कानून है, उसका रिमूवल होगा, उससे उसके ऊपर सूट होगा, उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम से एक मुतवल्ली को मजबूर करके उससे आप डोनेशन लीजिएगा, हाँ अभी गलत तरीके से डोनेशन का नाम पर जो है कुछ और लीजिएगा, तो ये भाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और डेवलपमेंट होने के लिए वक्फ बोर्ड का सपोर्ट मिलना चाहिए उस मुतवल्ली को। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और हो रहा है। यहाँ तो मुतवल्ली बेचारा जाता है, उसके पास तो पैसा का सोर्स है, इनकम सोर्स है ही नहीं, और वहाँ जाके उसके साथ कुछ और हिसाब किताब होता है, वो पकड़ के लाता है किसी और फाइनेंसर को, डेवलपर को, और लेके जो है वहाँ पर हिसाब किताब करके कुछ और तमाशा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वक्फ़ का गुडविल ख़राब हो रहा है, वक्फ़ बदनाम हो रहा है। कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी आज भी वक्फ़ करना चाहते हैं, वो करना नहीं, करने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। कि मुतवल्ली जिसका इनकम 1 लाख रुपया और ज़्यादा होगा वही क्वालिफाई करता है वोट देने के लिए। हज़ारों मुतवल्ली वेस्ट बंगाल में हैं, उसमें से सिर्फ 137 आदमी क्वालिफाई कर रहा है जिसका 1 लाख रुपया सालाना इनकम है। इस पर मुझे पूरा डाउट है कि यहाँ पर सही तरीके से सॉर्टिंग नहीं हुआ है। हम लोगों ने डिमांड किया है और हमारा डिमांड है कि जितने मुतवल्लीज हैं वेस्ट बंगाल में उनका अकाउंट्स दिखाया जाए। मेरे पास ये भी खबर है आई है कि भाई किसी ने जमा कर दिया 1 लाख रुपया, वो उस कैटेगरी में चला गया। पहले तो हम उस कानून के बारे में ऑब्जेक्शन करते हैं कि जिसने कानून जो बना है इसको फौरन चेंज करने की ज़रूरत है, कि वाई विल अ मुतवल्ली हैविंग इनकम ऑफ 1 लाख एंड अबव विल हैव द राइट टू वोट। सिर्फ उसको क्यों राइट होगा?
वक्फ बोर्ड में हर मुतवल्ली, चाहे वो 1 लाख का ऊपर हो या नीचे हो, उसका वहाँ पर फैसला होता है। उसका मुतवली मैटर हो, डेवलपमेंट मैटर हो, एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी वक्फ, उसका फैसला होता है। फैसला कौन करता है? द मुतवली मेंबर रिप्रेजेंट्स द एंटायर मुतवलीज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सारे मुतवली जो एनरोल्ड है, उनको उनका नुमाइंदा कौन है? जो मुतवली मेंबर इलेक्ट होके आता है। इलेक्ट कितने लोग करते हैं? 135 में उनको वोट मिलता है, 60-65 वोट मिलता है। तो सिर्फ 60-65 वोट लेके वो मुतवली मेंबर सबका मुस्तकबिल का फैसला करेगा? यह हमारा बहुत बड़ा सवाल है। इसको हम किसी हल पर ख़त्म करना है इस मामला को। सिर्फ 60-65 आदमी का वोट मिलता है एक मुतवली मेंबर का, वो फैसला करता है कि बैठ के वहाँ पर किसका। हज़ारों मुतवली जो पूरे बंगाल में सारे वक्फ स्टेट्स का मैटर, वो फैसला करता है बैठ के। उसको कोई हक नहीं है। जब आपको वोट नहीं दिया किसी मुतवली ने, किसी माने क्या, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्सेप्टिंग ओनली अ फ्यू, आपको राइट नहीं है कि उसका भी फैसला बैठ के करें। या तो सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, हर मुतवली को, कोई कैटेगरी नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोगों ने बार बार सवाल उठाया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए आज एक ही मेंबर 25 साल से बैठा है इस सिस्टम के गलत होने की वजह से। तो सिस्टम जो बनाया गया यही गलत है, पहले उसको ठीक करना चाहिए। उसके बाद सवाल मेरा, मुतवली मेंबर्स जो थे एक्स, जिसमें अनीसल हक और आफाकुज़्ज़मान खान, उनसे मैंने ये सवाल करता हूँ, 25 साल से आप वहाँ बैठे हैं, आपने ठीका और बरगा में हज़ारों हज़ार बीघा ज़मीन घुस गई है, बेहाथ हो गई है, मुतवली के कंट्रोल से निकल गई है, आप लोगों ने क्या किया अब तक? आप लोग क्या कर रहे हैं? खाली चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं और घर में चले जाते हैं? यही हुआ है 25 साल से और कोई काम नहीं हुआ है। आपने अपने मीटिंग में मलिक अलमीन कॉलेज ऑडिटोरियम में खाली खोखली बातें की कि ठीका का ऐसा होना चाहिए और बरगा कैसा करेंगे, और उनको बोल दिया और उनको बोल दिया है। मैं आपसे कहता हूँ कि ठीका भी, ठीका कंट्रोलर ऑफिस भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस है, वक्फ बोर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस है। एक ही बच्चा दो माँ का कैसे हो सकता है? इस पर आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया है? क्यों नहीं उठाते हैं कि क्यों ठीका वक्फ की ज़मीन लेके बैठ गया है, जो वक्फ ऑलरेडी एनरोल्ड है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में? इस पर आपने क्या किया अभी तक? 25 साल गुजर गया, 25 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है, खाली बातें होती हैं। दूसरी बात है इनकम टैक्स का मामला। जो वक्फ स्टेट्स होते हैं, दैट इज रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल। अब उसमें जो चैरिटी होती है उसको इनकम टैक्स एक पैसा भी एग्जेम्पशन नहीं देता है। क्यों नहीं? इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स कमिश्नर से मेरी बात हुई इस मामले में, इनकम टैक्स कमिश्नर ने कहा कि भाई आप लोगों ने कभी कोई कदम नहीं उठाया, मामला नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ वक्फ बोल के कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एक पैसा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपको जितना भी चैरिटी कीजिए। एक एक वक्फ स्टेट, मेरा खुद वक्फ स्टेट लाखों रुपया साल का चैरिटी करता है, वी डोंट गेट एनी एग्जेम्पशन, नॉट अ सिंगल पेनी। इसके बारे में क्या किया है? कौन करेगा? मैं करूँगा या आम आदमी करेगा या वक्फ बोर्ड करेगा? वक्फ बोर्ड का जो काम है, खासकर मुतवली मेंबर का, बाकी मेंबर तो आते हैं, बोर्ड फॉर्मेशन होता है, जो मुतवली मेंबर किसी स्टेट के बारे में, मुतवली के बारे में जो प्लेस करता है उसको सब कोई साइन करके चले जाते हैं, कोरम बन जाता है, हो जाता है। लेकिन मुतवली मेंबर वहाँ बैठ के इन सब बातों पर क्यों नहीं कोई कदम उठाया? यह मेरा सवाल, सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे आवाम का सवाल है। पूरी आवाम सवाल कर रही है आपसे और करेगी, आज नहीं तो कल सब जागेंगे। ये मत सोचिए कि आप जो भी करके निकल जाइएगा और सब खामोश बैठे रह जाएंगे आँख बंद करके। वी आर वॉचिंग एवरी ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ योर्स, क्या आप कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं सब हम देख रहे हैं।
ये मेरा मैसेज है।